जिला मंडी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लोहाकर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का प्रतिनिधि मंडल डीसी मंडी से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत को 2 पंचायतों में विभाजित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के ग्रामीण नई पंचायत टरवाई में शामिल नहीं होना चाहते। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के ग्रामीणों को नई पंचायत टरवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे के लिए जिला मंडी आए हैं। ग्राम पंचायत लोहाखर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के ग्रामीणों का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से ग्राम पंचायत लोहाखर का पंचायत घर उन्हें नजदीक पड़ता है, इसके लिए ग्रामीण नई पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सिलसिले में आज सुबह हम मुख्यमंत्री साहब से मिले, उन्हें हमने जो है वो हमारे गांव के जितने भी 200 के लगभग लोगों ने हस्ताक्षर किए थे इसमें, और वो हस्ताक्षर की एक जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमने मुख्यमंत्री साहब को दी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें आश्वासन दिलाया कि हम आपकी मांग को जो है वो उसमें इस पर काम करेंगे। और उसके बाद हम अभी जिलाधीश महोदय से भी मिलकर आ रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो मांग थी वो बिल्कुल जेन्युइन मांग है, हम लोगों की एक ओरिजिनल मांग लेकर आए हैं जो उनकी जेन्युइन समस्या है। तो मेरा भी ये इसी करके आप लोगों का भी मैं थैंक यू कहना। ग्राम पंचायत लोहाखर के टरवाई वार्ड नंबर 1 से हूँ तथा मैं एक समाज सेवक का कार्य भी करता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत लोहाखर में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें प्रस्तावित किया गया कि ग्राम पंचायत लोहाखर के जो 3 वार्ड हैं, टरवाई वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3, इनकी जो कुल वोटरों की 874 वोटर है और लगभग 1100 के आसपास वहाँ पर जनसंख्या है, तो इसमें जो प्रस्ताव पंचायत ने पास किया कि इन 3 वार्डों को मिलाकर जो है एक नई पंचायत का गठन किया जाएगा जिसे ट्रवाई का नाम दिया जाएगा। लेकिन वार्ड नंबर 1 जो ट्रवाई पड़ता है और वार्ड नंबर 3 के 20 परिवार जिसमें से लगभग 100 व्यक्ति जो हैं वो नहीं चाहते कि वो लोहाखर पंचायत से अलग होकर ट्रवाई पंचायत में जाएँ, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हमें ये जो है अलाउ नहीं करती, क्योंकि बिल्कुल हम लोहाखर पंचायत से सटे हुए गांव हैं और ये जो वार्ड है ये केवल लोहाखर पंचायत के साथ ही बने रहना चाहते हैं, तो हम जो है वो नई पंचायत का इसमें जो है विरोध करते हैं। तो लोगों के साथ भी मैं इंडिविजुअली जाकर मिला, लोगों की भी यही राय है कि नई पंचायत नहीं बननी चाहिए और हमारा जो है वो केवल इसी पंचायत में हम रहना चाहते हैं। जी धन्यवाद। कितना पड़ रहा है आपको जो नई पंचायत बन? अब जो नई पंचायत बन रही है उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, अगर वो बनती है तो उसमें लगभग 3 किलोमीटर के आसपास या ज़्यादा का रहता है, जबकि हम 1 किलोमीटर के कम दायरे में जो है वो लोहाखर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो बिल्कुल रोड के किनारे हैं और हमारे बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं।